हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि WhatsApp अकाउंट में कैसे फिंगर लॉक लगाया जाता है और कैसे हम फिंगर लॉक लगा सकते हैं। लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, थ्री डॉट लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सेटिंग पे आना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है। सिंपली सबसे नीचे जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा डिसेबल। दोस्तों उसको इनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक बार इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को, इसको इनेबल करने के लिए दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, या फिंगर का आइकन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में चाहे नीचे है फिंगर लॉक या आपके साइड में या फ़ोन के होम स्क्रीन पे है, तो दोस्तों आपको वहाँ पे अपना एक बार फिंगर टच करना है। तो दोस्तों मैं अपना फिंगर एक बार टच कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई हो गया। वहाँ पे दोस्तों देखने को मिल जाएगा इमीडिएटली और एफर्ट 1 मिनट, एफर्ट 30 मिनट। आपको इमीडिएटली रखना है या 1 मिनट के बाद लॉक करना है या 30 मिनट्स के बाद लॉक करना है। तो दोस्तों आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोस्तों मेरा इमीडिएटली का ऑप्शन चूज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पे करके देखना है कि मेरा जो लॉक लगाया वो काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप एक बार व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके का फिंगर लॉक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।